हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आर्मी एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक मैं आपको 60 क्वेश्चन बता चुका हूं, आज हम इससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को लेटे लेटे वीडियो नहीं देखनी है, आप लोग अपनी नोटबुक और कॉपी निकालिए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है या फिर जो क्वेश्चन नया है उसको आप नोट कीजिए और उसका रिविजन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यानी 61वां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? पहला अशोक, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा कुमार गुप्त। जल्दी से अपना आंसर कमेंट में बताओ। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये एक राजदूत था, राजदूत, और ये राजदूत था यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी एक पुस्तक है इंडिका, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है इंडिका, ये पुस्तक भी कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है? जैसे हम लोग लिखते हैं तो हम यहां से लिखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक ये लिखा है, तो यहां से हमने लिखा यानी बाएं से हम लिखते हैं, लेकिन जो ये लिपि है इसको हम उल्टी साइड से लिखते हैं, यहां से हम लिखेंगे प्राचीन भारत ऐसे करके। तो ये कौन सी लिपि है जिसको हम उल्टी साइड से लिखते हैं, यानी दाएं साइड, दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं? पहला ऑप्शन ब्राह्मी, दूसरा नंदनागरी, तीसरा शारदा और चौथा खरोष्ठी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खरोष्ठी। 63वां क्वेश्चन है, कनिष्क वंश का सम्राट था, यानी कनिष्क किस वंश का सम्राट था? पहला गुप्त वंश का, दूसरा कुषाण वंश का, तीसरा चेर और चौथा चोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुषाण वंश का। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था और एक प्रतापी शासक था। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, कौन से, यानी कौन से काल या कौन से वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो पहला गुप्त, दूसरा मौर्य, तीसरा प्रतिहार, चौथा राष्ट्रकूट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य कौन है? चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य, और इनका एक और नाम भी है विष्णुगुप्त, ये इनका मूल नाम था विष्णुगुप्त। आगे चलते हैं। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज की राजधानी थी, पहला मगध, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा नालंदा, चौथा तक्षशिला। देखो भाई, अगर आपको एग्जाम में अच्छा करना है, एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है या फिर एग्जाम क्रैक करना है, तो आप लोगों को लगातार रिवीजन करना होगा, रिवीजन आपको करना होगा या प्रैक्टिस आपको करनी होगी। जब तक एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने 10 या 12 बार नहीं गुजर जाता तब तक वो क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा, इसलिए आपको लगातार रिविजन करते रहना है। क्वेश्चन नोट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका रिवीजन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इसका आंसर बताते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची का स्तूप, इसका निर्माण किसने करवाया था? पहला है अशोक, दूसरा बिंबिसार, तीसरा चाणक्य, चौथा चंद्रगुप्त। तो जल्दी से अपना आंसर बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सांची का स्तूप किसने बनवाया?
था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? और एक क्वेश्चन ये भी बनता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला वेलूर, दूसरा वेलोर, तीसरा वेलारी, चौथा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेलूर। कलकत्ता में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। ये भी आपको याद रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। आगे बढ़ते हैं, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? जल्दी से आंसर बताओ। पहला चेदी वंश, दूसरा कदंब, तीसरा हरियक, चौथा कलिंग। जल्दी से अपना आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेदी वंश। इस वंश को महा मेघहाना वंश भी कहते हैं, महा मेघहाना वंश भी इसको कहते हैं। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? यानी हर्षवर्धन के जो राज कवि थे वो कौन थे? पहला जयदेव, दूसरा बाणभट्ट, तीसरा चंदवरदाई, चौथा बिल्हण। जल्दी से अपना आंसर बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाण भट्ट। इन्होंने हर्ष चरित्र की भी रचना की थी, हर्ष चरित्र की भी रचना इन्होंने की थी। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान, पहला वेनसुआंग, दूसरा फाहियान, तीसरा आईचिंग, चौथा ली किसु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाहयान। गुप्त काल के दौरान फाहयान ने भारत की यात्रा की थी। इसके बाद यहां से ह्वेनसांग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? पहला चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा श्रीगुप्त और चौथा घटोत्कच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, नेपोलियन भी कहते हैं। विक्रमादित्य इनको जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय इनको विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई है, विक्रमादित्य। आगे बढ़ते हैं, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है? पहला मगध काल, दूसरा मुगल काल, तीसरा मौर्य काल, चौथा गुप्त काल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कीजिए। जो लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे वही लोग जो है कुछ ना कुछ सीखेंगे और रिवाइज भी करेंगे। हो सकता है उन लोगों को पहले से ही ये क्वेश्चन आते हों, लेकिन जब आप रिवीजन करते हैं एग्जाम में वो क्वेश्चन का आंसर आपका एकदम से स्ट्राइक करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण युग यानी स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? विक्रमादित्य, अभी अभी मैंने आपको बताया था, पहला ऑप्शन कुमार गुप्त द्वितीय, दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा रामगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का एक प्रसिद्ध नाम है। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत नाटक
नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? पहला प्रभाकर वर्धन, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा बिंदुसार। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। इन्होंने नागानंद की रचना की थी। 76वां क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लो और याद कर लो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पहला बिंबिसार, दूसरा अशोक, तीसरा धर्मपाल, चौथा चंद्रगुप्त प्रथम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। और ये कहां पर है? ये आपका बिहार के भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में। किसके शासनकाल में ह्वेन श्वांग भारत आया था? बीच में ये क्वेश्चन आया था और मैंने वहां पे इसका आंसर बता दिया था, तो जल्दी से आप कमेंट में अपना आंसर बताओ। किसके शासनकाल में ह्वेन श्वांग भारत आया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के शासन काल में। 78वां क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त और चौथा कुमार गुप्त। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की, आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की? ये की आपकी 1875 में। तो यहां से ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। और ये कहाँ स्थापित किया था? ये किया था आपका मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो और इसको रट लो। पहला ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती ने, दूसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, तीसरा राजा राम मोहन राय ने, चौथा स्वामी विवेकानंद ने। तो यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज जो मैंने आपको अभी बताया था, आर्य समाज। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ ठाकुर ने, टैगोर ने, द्वारका नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना। इसकी स्थापना इन्होंने 20 अगस्त 1828 में की थी। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? पहला श्रीगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा समुद्रगुप्त, चौथा स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अशोक को, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन को और चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना आंसर बताओ। कुंभ मेला आपको पता होगा, प्रत्येक 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है और ये 4 जगहों पे लगता है। इन जगहों का नाम भी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंभ का मेला स्टार्ट किया था हर्षवर्धन ने। इसके बाद आगे देखते हैं कि इसको कहाँ कहाँ मनाया जाता है। पहला प्रयागराज, प्रयागराज
इलाहाबाद इसका पुराना नाम था, इलाहाबाद। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या था। दूसरी जगह है आपकी हरिद्वार, हरिद्वार। तीसरा है उज्जैन, उज्जैन। और चौथा नासिक। तो इन चार जगहों पर प्रत्येक 12 साल बाद कुंभ का मेला मनाया जाता है। और ये यहां से आपको ये भी याद रखना है कि हरिद्वार कौन सी नदी के किनारे है, गंगा। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम है। इसके बाद उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नासिक बसा हुआ है आपका गोदावरी नदी के किनारे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद कर लेना है, क्योंकि कुंभ से रिलेटेड शहर हैं, इनको आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? पहला मथुरा में, दूसरा प्रयाग में, तीसरा वाराणसी, चौथा पेशावर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी, यानी जो हर्ष चरित्र है, हर्ष चरित्र, ये हर्ष की जीवनी है, इसको किसने लिखा था? पहला फिरदौसी, दूसरा बाणभट्ट, तीसरा बराहमीर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था हर्ष चरित्र लिखा है बाण भट्ट ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो ये हर्ष चरित्र है, ये संस्कृत भाषा की पहली ऐतिहासिक जीवनी है, ऐतिहासिक जीवनी है, ठीक है। तो यहां से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्ष चरित्र की रचना किसने की, बाणभट्ट ने। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी, तो बाणभट्ट ने लिखी थी। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि नागानंद हर्षवर्धन ने लिखी थी, किसने लिखी थी, हर्षवर्धन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? पहला प्रयाग, दूसरा दिल्ली, तीसरा कन्नौज, चौथा राजगृह। जल्दी से अपना आंसर बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा या दरबारी भाषा कौन सी थी? पहला पाली, दूसरा संस्कृत, तीसरा सॉरी प्राकृत, तीसरा हिंदी, चौथा संस्कृत। जल्दी से अपना आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है? तो वीणा वादक के रूप में कौन से शासक को जाना जाता है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करो। पहला है श्रीगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त, चौथा है महेंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त, क्योंकि इनको कविराज भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ये संगीत से सीधा सीधा संबंधित है, इसीलिए इनको वीणा वादक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने वीणा का वादन भी एक बार किया था। आगे बढ़ते हैं। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पहला ऑप्शन है राजराज चोल द्वितीय, दूसरा है राजेंद्र चोल तृतीया, तीसरा है विजयालय चोल, और चौथा है कुलोत्तुंग चोल तृतीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतिम शासक ये थे राजेंद्र चोल तृतीय। प्रथम शासक ये थे विजयालय चोल। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? ऑप्शन नंबर एक गोपाल, दूसरा दीपपाल, तीसरा मदनपाल, चौथा नंदपाल। जल्दी से आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। गोपाल पाल वंश का प्रथम शासक था। और अंतिम शासक थे, अंतिम शासक
पाल वंश के अंतिम शासक गोविंद पाल थे। कौन थे? गोविंद पाल। तो आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जो लोग लगातार चीजों को रिवाइज करते रहते हैं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चीजें बैठती रहती हैं, याद होती रहती हैं। इसलिए आपको कंटिन्यू रिवीजन करते रहना है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आपके एक लाइक और शेयर से मुझे मिलेगा मोटिवेशन आपके लिए और अच्छी वीडियो लाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग आउट।